वालेकुम। आज की क्लास में हम होलोग्राफ इफेक्ट सीखेंगे। होलोग्राफी इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट होता है और उसमें ऐसे शो होता है जैसे कि कोई चीज़ किसी भी चीज़ से निकल रही है, मोस्टली मोबाइल के स्क्रीन से निकल रहा है या घड़ी से निकल रहा है या फिर लैपटॉप से या फिर कोई भी टेक डिवाइस है वहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, उसको होलोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। तो होलोग्राफी इफेक्ट रियल है, ठीक है, तो ये कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई मूवी में ही सिर्फ शो होता है, तो ये टेक्नोलॉजी रियल है, तो उसको बनाना इज़ वेरी फन। और तो आज की क्लास हमने ये बनाना है कि दिस इज मेड अप ऑफ टू इमेजेस, एक स्पाइडरमैन की इमेज है और एक मोबाइल वाली इमेज है। तो बेसिकली हमने ये ओरिजिनल इमेज थी मोबाइल की जो मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है, और ये इमेज थी स्पाइडरमैन की जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये दो इमेजेस हैं, तो इन दोनों इमेज को मिला के हमने ये बनाना है आज। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, और ये इसको कहते हैं होलोग्राफिक इफेक्ट। इसको बनाने के बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा जो सबसे सिंपल है और जिसमें ग्राफिक कार्ड इतना हैवी यूज़, मतलब कि क्योंकि कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जो कि अगर आप थोड़े से फोटोशॉप के कुछ ऐसी टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें ग्राफिक कार्ड बैठ जाता है। तो ये उनके लिए जिनका क्विक एंड ईजी वे टू मेक होलोग्राफ, ठीक है ना, इन शॉर्ट वो ये है। सो लेट्स स्टार्ट। तो होलोग्राफिक इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए वो है कोई भी ऐसी इमेज जिसका आप कटआउट लेना चाह रहे हैं, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ आपको डिस्प्ले करनी है। तो मेरे केस में ये वाला जो एक स्पाइडरमैन की इमेज है ये मैं शो करवाना चाहता हूँ जैसा कि आप लोगों ने देखा है, तो इसलिए मुझे इसको कटआउट करना है इसकी बैकग्राउंड से। अब ये एक इमेज है और एज इमेज मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे इसको कटआउट करना लाजमी है। तो इसको पहले कटआउट करते हैं और मुख्तलिफ क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं कटआउट करने के लिए, ठीक है ना। मैं चूज़ करूँगा, स्टार्ट करूँगा क्विक सिलेक्शन से, और अगर इससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये और ट्राई कर लूँगा। इमेज की क्वालिटी अच्छी है तो इसलिए जल्दी हो रहा है। आप याद होगा कि मैंने अपनी क्लास में सिलेक्शन के बताया था कि अगर इमेज क्वालिटी अच्छी है तो जल्दी से काम हो जाता है बजाय इसके कि हम टाइम लगाएं, लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है। तो लेट्स ट्राई, यहाँ पे ग्रे पार्ट आ रहा है तो और मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम काफी ज्यादा हैंग हो रहा है सुबह। सिलेक्शन टूल मोस्ट प्रॉब्ली मेरा नहीं चल रहा, जब मैं इसका पाउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरी लेयर सेलेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से मैं लेयर नहीं सेलेक्ट करूँगा, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा ताकि अनसेलेक्ट हो जाए सारा कुछ और सिलेक्ट एंड सिलेक्ट सब्जेक्ट। इसको ट्राई करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए, इसे क्विक सिलेक्शन टूल से भी हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा लैपटॉप इसके बाद एक्सट्रीमली आखिरी सांसों में है तो फुल ऑफ बग्स, और तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि टाइम ज़ाया हो, तो आई एम टेकिंग द इजी वे आउट। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये कि वो सिलेक्शन खुद ही करके दे देगा, और ये सिर्फ तभी कर सकते हैं हम जब कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में। तो फोटोशॉप अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं और आपको सिलेक्शन करके दे देते हैं खुद ब खुद बजाय इसके कि आप सिलेक्ट करें। हर केस में ये कामयाब नहीं होता, बट कुछ केसेस में हो जाता है, इस केस में इसको हो जाना चाहिए, 100% श्योर ये हो जाएगा। पिछली एग्जांपल जो मैंने की थी, जो डेमो आपने देखा है, तो वो मैंने क्विक सिलेक्शन से ही किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं चल रहा, ठीक है, उसने कर लिया सिलेक्ट विच इज़ वेरी नीट सिलेक्शन, ठीक है। तो
तो जब सिलेक्ट कर लिया उसने तो मैं क्या करूंगा, लेयर पे क्लिक किया और सिंपली कंट्रोल जे कर दूंगा। कंट्रोल जे आपको याद है कि मैंने क्या बताया था, कंट्रोल जे डुप्लीकेट करता है, और अगर इमेज सिलेक्ट किया हो तो कंट्रोल जे से सिलेक्शन हो जाती है। तो ये सिलेक्शन हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये इमेज तो आ गया, अब मैं एक न्यू कैनवस क्रिएट करूंगा या बल्कि यहीं पर स्टार्ट कर देता हूँ। इस कैनवस का साइज जो है वो है पिक्सल्स 1500 बाय 1800, ठीक है, अच्छा पिक्सल्स है। और मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रैग करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं होलोग्राफिक इफेक्ट क्रिएट करूंगा स्पाइडरमैन का। तो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग फोर लेयर्स, इसी की चार लेयर बनाऊंगा कंट्रोल जे प्रेस करके, एक दो तीन, तो चार बन गई हैं। और पहले की जरूरत नहीं, ये मैंने सिर्फ एज अ बैकअप किया हुआ है, उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इन सबको भी मैं हाइड कर रहा हूँ, वन बाय वन इसको ओपन करते हैं। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि जो ब्लर है इसको, ये होगा अनब्लर्ड, यानी कि ये ओरिजिनल होगा, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ओरिजिनल, ठीक है। ये वाला हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला हम यूज करेंगे ब्लर मिनिमम, यानी कम से कम इसको ब्लर देंगे हम। इस वाले को हम रीनेम कर लेते हैं ब्लर मैक्सिमम, ये बाद में हमें फायदा देगा, ठीक है। तो मिनिमम ब्लर और मैक्सिमम ब्लर में आपको नाम से पता चल जाएगा कि इसमें ज्यादा ब्लर देंगे, इसमें कम ब्लर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दो तीन कंफ्यूजिंग स्टेप्स होंगे, लेकिन एट द एंड आपको समझ आ जाएगी। एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है हमने बिल्कुल टॉप ऑफ द लेयर्स, और इस लेयर को मैंने देना है 50% के लिए, शिफ्ट एंड बैक स्पेस दबाना है आपने, और फिर उसके बाद इस ड्रॉप डाउन में से 50% ग्रे सेलेक्ट कर लेना है। ये कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर डाल देगा इस पर, ठीक है। अब इस ग्रे कलर पे हमने चैनल देना है, तो चैनल्स मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहे, आई हैव टू विंडोज एंड चैनल्स यहाँ पे आ गया, तो चैनल पे आने की ये चैनल आ गया, ठीक है। चैनल्स आरजीबी हैं, आपको याद होगा जब हम नया कैनवस बनाते हैं हमेशा तो वो हमसे पूछता है कैनवस कौन सा होना चाहिए, हम आरजीबी सिलेक्ट करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो ये आरजीबी वहीं से आ रहा है। एनीवेज, अब इस लेयर को सिलेक्ट किया है, इसके चैनल्स आ रहे हैं, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करना है। उससे पहले एक फिल्टर गैलरी में से एक ब्लैक एंड वाइट लाइन्स अप्लाई करनी है, फिल्टर, और फिल्टर गैलरी में जाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ फिल्टर्स होते हैं, ठीक है ना, फोटोशॉप के खुद से बनाए हुए प्रीसेट्स, और इनकी मदद से हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो हैं इसके फिल्टर्स हैं। आर्टिस्टिक के अंदर भी आप एक्सप्लोर करें, ठीक है, ये मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं, ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, दीज आर ऑल बेसिक फिल्टर्स जो आप किसी भी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी चीज़ जिस तरह मोबाइल एंड्रॉयड पे या iOS पे या अपने इवन विंडोज़ के अंदर डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लैक एंड वाइट, एक हाई कंट्रास्ट, और एक स्केच, कार्टून, मुख्तलिफ होते हैं। इवन इंस्टाग्राम के अंदर भी अपलोड करने से पहले वो आपसे पूछता है कि आपने कोई फिल्टर तो नहीं लगाना। ये सारे फिल्टर्स उसी तरह के ही हैं बट इन डेप्थ हैं, और हर फिल्टर के साथ एक सेटिंग्स की पैनल मौजूद है, यानी अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो डिफरेंट सेटिंग्स होंगी, हर सेटिंग्स में अलग एक इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए जो हमें चाहिए वो है आर्ट, आई थिंक था स्केच के अंदर था, ब्लैक एंड वाइट लाइन्स हमें चाहिए ना, तो ये हाफ टोन पैटर्न है, इसके अंदर डॉटेड भी है और इसके अंदर सर्कल भी है, ठीक है। और सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा कि हम जब थंब प्रिंट निकालना हो तो वहाँ से उस जिस तरह अंगूठे का निशान होता है, तो यहाँ से रेप्लिका हम बना सकते हैं। आपको शायद नज़र ना आ रहा हो लेकिन अपने फोटोशॉप में इस्तेमाल करके देखें तो ये नज़र आ रहा होगा। हमें लाइंस चाहिए तो हम यहाँ पे जाके लाइन करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्केच में जाएंगे, इस तरह आपके पास सामने आ रहा होगा, आपने स्केच पे जाना है, हाफ टोन पैटर्न पे जाना है, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट आई थिंक डॉट आ रहा होगा, आपने लाइन पे क्लिक कर देना है। साइज इमेज के मुताबिक होता है, मैं इसको मेरी इमेज के विड्थ हाइट में बड़ी है तो मैं इसको 5 करूँ, अगर तुमको ज़्यादा है 4 करूंगा, बस इतनी करने की ना इतनी बारीक हो ना इतनी चौड़ी हो, कंट्रास्ट 10 काफ़ी है क्योंकि हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रास्ट काफ़ी है, ऐसा कोई इतना इशू नहीं है।
बाकी वंस अगेन इन सब फिल्टर्स को आप एक्सप्लोर करें, कोई भी अपनी पिक्चर इंपोर्ट करें फोटोशॉप में और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये फिल्टर्स यूज़ करें। इसके लिए कोई खास लेक्चर मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज ये बहुत सिंपल है, यूज़ करें और खुद ही एक्सप्लोरेशन में ये बहुत ईजी है। तो हाँ, इसमें मुझे ज़रूरत पड़ी थी आपको बताने की तो मैंने बता दिया, आफ्टर पैटर्न यूज़ करना है, स्केच के अंदर आएगा ये। लेट्स प्रेस ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे ब्लैक एंड वाइट लाइंस आ गई हैं, ठीक है, ये नज़र आ रही हैं ब्लैक एंड वाइट लाइंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल एंड क्लिक करेंगे इस पे RGB पे, ठीक है ना, चैनल्स खोला हमने और इस पे RGB का जो आइकॉन है थंबनेल इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के। अगर ये नहीं नज़र आ रहा तो ये विंडोज पे जाके आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्शन आ गई है, इसको हाइड कर दें, सिलेक्शन अभी भी मौजूद है, इसको प्रेस करें ओरिजिनल वाले को और ये मास्क पे क्लिक कर दें। तो ये क्या करेगा देख लेते हैं, इसने जो किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसने काफ़ी ज़्यादा ओपेसिटी बढ़ गई है इन चीज़ों की, मोस्ट प्रॉब्लम इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा कंट्रोल जे, तो ये डार्क हो गया। इसी तरह करके आपको इसको और चार दफा करना पड़ेगा अगर आपकी ओपेसिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो उससे क्या होगा कि जो इमेज कट डाउन हो रही है ना, यानी कि जो इमेज अगर मैं ये मिनिमाइज कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी काफ़ी गिर गई है। ये इसलिए हो रहा है कि इसमें आर और ब्लू यूज़ हो रहा है, अगर आपकी कोई रियलिस्टिक इमेज है तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ओपेसिटी इफेक्ट नहीं होगी, मेरे वाले में हो रही है क्योंकि इसमें आर और ब्लू सॉरी रेड और ब्लू कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कोई और इमेज अगर आप अपनी पकड़ेंगे जिसमें रेड ब्लू इतना कॉन्ट्रास्ट हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा तो उसमें इतना खास ओपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें जाने दें या आपको पता चल जाएगा। अगर बहुत फिके कलर्स आ रहे हैं यानी कि इस तरह का डल आ रहा है तो आपको चाहिए कि 3 या 4 दफ़ा इसको डुप्लीकेट कर लें। इन सबको मैं विजिबल करूंगा, ठीक हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ऑल्ट दबा के, बल्कि इनका ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कंट्रोल ई प्रेस कर लूंगा मैं। कंट्रोल ई क्या करता है, ग्रुप को पूरी की पूरी इमेज की फॉर्म में बना देता है। अब मैंने क्या करना है, इस और इसको डिलीट कर रहा हूं बिकॉज रीज़न ये है कि पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं एज इट इज कर दूंगा और ओपेसिटी का इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट ओपेसिटी ख़राब नहीं होगी, लेकिन अब ओपेसिटी ख़राब हो रही है तो इसलिए मुझे ये पुराने वाले 2 नहीं चाहिए क्योंकि इनको मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं इसी के डुप्लीकेट बना दूंगा, वही सारा काम करना है बट न्यू लेयर्स के साथ। पहले वाली ओरिजिनल है हमारी, आपके केस में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा अगर आपने RGB वाली पिक्चर नहीं पकड़ी तो, बट ये है कि अगर आपकी ओपेसिटी कम हो रही है तो फिर आप बाद में डुप्लीकेट बना लें, पहले डुप्लीकेट ना बनाएं। मैंने पहले इसलिए किया था कि ताकि बताने के लिए कि एक में मैक्सिमम ब्लर लगेगा एक में मिनिमम ब्लर लगेगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि उसकी ओपेसिटी इतनी ख़राब हो जाएगी। मिनिमम ब्लर वही स्टेप्स हैं, बस मैंने नई इमेज के साथ कर दिया। अब इन सब में क्या है, इन सब में लाइन्स बनी हुई हैं, यानी कि इसमें भी लाइन्स हैं, ठीक है, इसमें भी लाइंस हैं और इसमें भी लाइंस हैं। लाइंस वाली इमेज हमें चाहिए, होलोग्राफिक इफेक्ट में लाइंस आती हैं तो इसलिए हमें लाइंस बनानी थी, हमने बना लिया, हमारा आधा काम हो गया। अब कुछ इफेक्ट्स डालते हैं ताकि वो होलोग्राफ पूरा बनना शुरू हो जाए। मैं इसकी एक बैकग्राउंड की लेयर बना देता हूँ ताकि हमें कुछ नज़र आए हम करके आ रहे हैं, और बैकग्राउंड लेयर में मैं कलर देता हूँ शिफ्ट बैक स्पेस में ताकि कलर दे सकूं और ब्लैक कलर दे दें। प्रेस ओके। ठीक है, हमने ब्लैक कलर दे दिया, चैनल्स को मैं बंद करूं, चैनल्स की जरूरत नहीं है। अब ये ओरिजिनल वाला जो है ना और बाकी 2 जो हैं वो हमने भी हाइड किए हैं। ओरिजिनल वाले में मैं अभी ह्यू एंड सैचुरेशन डाल के इसका कलर चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं एंड पे करूंगा। पहले हम मैक्सिमम ब्लर डाल देते हैं, ब्लर में गए सॉरी मैक्सिमम ब्लर वाले रीनेम जो हमने रीनेम किया था उस पर गए, फिल्टर पे गए, ब्लर पे गए और हमने मोशन ब्लर पकड़ना है। मोशन ब्लर की क्या होता है खासियत कि ये राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इस तरह करके ना आपको
जैसे यार देख रहे हैं ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, एंगल ऊपर का सेट हुआ है 90 डिग्री का, मैं इसको जीरो कर दूंगा, यानी यहाँ से लिख के जीरो करूंगा और ये स्ट्रक हो गया, इसको मैंने जीरो कर दिया, जीरो किया तो ये स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं। अब अपने हिसाब से इसको देख लें, जो मैक्सिमम ब्लर वाला है ना, ये आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम ब्लर वाला क्लिक किया है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इतना कि वो दो नज़र आना शुरू हो जाएगी, दो मुंह नज़र आ रहे हैं बस काफ़ी है। ओके प्रेस कर दें, अब हम इस वाले पे जाते हैं मिनिमम ब्लर पे, ऊपर वाले को हाइड कर दिया, नीचे वाले को ओपन कर दिया, व्यू सॉरी फिल्टर एंड ब्लर एंड मोशन ब्लर, और 250 वाली पिछली वैल्यू थी जो कि मैक्सिमम में थी, तो मैं इसका हाफ कर दूंगा ऑलमोस्ट 120 के करीब, इतना काफ़ी है। ओके कर दिए, अब ये दो मेरे पास ब्लर आ गए और इसके ऊपर पड़ा है ओरिजिनल। अब इस तरह की कोई ना कोई आपके पास शक्ल आ जाएगी, ओरिजिनल है फिर उसके बाद मिनिमम ब्लर वाला है, फिर उसके बाद जाके मैक्सिमम ब्लर वाला आ रहा है, तो ये सब कुछ ऐसे ही बनेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्टार्ट में मैंने जो डुप्लीकेट की थी वो इसलिए की थी कि मुझे नहीं पता था कि ओपेसिटी का मसला आएगा, जब ओपेसिटी का मसला आया मेरा तो मुझे चार इमेज मिला के एक इमेज बनानी पड़ी है, इसलिए मुझे पिछली वाली डिलीट करनी पड़ी है और न्यू इमेज से काम करना पड़ा। आपके केस में अगर ओपेसिटी नहीं हिलती तो आपने चार डुप्लीकेट्स नहीं बनानी, आपने पहली इमेज से ही काम चला लेना है। अगर आपका मसला आता है तो आपने वही करना जो मैंने किया है, ठीक है, बहुत इजी है। अगर कोई मसला आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप हाउ टू सॉल्व दैट। खैर, अब ये नीचे वाले जो दो लेयर्स है ना ब्लर वाली, राइट, मिनिमम और मैक्सिमम, इनकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम करने लगा हूँ, ठीक है 70% तक ले गई हूँ। इन तीनों को मैंने उठाया, कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप बनाया और यहाँ पर लिख दिया मैंने स्पाइडर मैन होलोग्राफ, ठीक है। अब मैं ह्यूमन सैचुरेशन अप्लाई करने लगा हूँ इन पे, ह्यूमन सैचुरेशन इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे, हम काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं क्लास में। कलराइज करना है इसको, लेकिन कलराइज किया और ब्लू पे ले गए, नियॉन ब्लू टाइप जो होता है ना कलर, इस पे ले गए यहाँ पे, ठीक है। सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा दें, मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम पे ले जाएं और इस एरो पे क्लिक कर दें, जिसका मतलब ये कि ह्यूमन सैचुरेशन सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली लेयर पे अप्लाई हो, बाकी सारी लेयर्स पे अप्लाई ना हो, तो इस पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ह्यूमन सैचुरेशन सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन के होलोग्राफ पे, ऑलमोस्ट हमारा होलोग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको अभी या तो मैं अभी इसको स्क्रीन कर सकता हूँ, यानी कि इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो स्क्रीन कर दूँ, या फिर ये हो सकता है कि थोड़ी देर बात करूँ। ये डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो इसमें सूटेबल लगता है, आपके जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पीछे ब्लैक है इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि लीनियर लाइट, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, लीनियर लाइट इज वेरी कूल, लेकिन ये इसे होलोग्राफ इफेक्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि लीनियर लाइट इज समथिंग जो के यू कैन ट्राई स्क्रीन पे करना, होलोग्राफ इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन स्क्रीन। मैं बताता हूँ क्यों, पहले नॉर्मल करता हूँ जिस तरह जो था पहले, और फिर उसके बाद स्क्रीन का डिफरेंस लेके आऊँगा। ओरिजिनल इमेज अगर मैं खोलता हूँ तो वो ऐसी बनेगी, ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ऐसे था, सॉरी पहले ऐसे था, और अब हमने इसको नियॉन कर दिया, और अब मैं इसको करूँगा स्क्रीन, यानी कि इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो स्क्रीन पे ले जाऊँगा, तो अब ये होलोग्राफिक टच आ गया, एक चीज़ ये हो गई है। दूसरी चीज़ यह है कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट लेवल्स, और डार्क टोन को थोड़ा सा बढ़ा लें, तो एक किस्म का आप
आपके पास आ सकता है इफेक्ट के होलोग्राफी का, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, मैं इसको मोबाइल के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मोबाइल की इमेज इम्पोर्ट करूँगा और वो मेरे पास मौजूद है कंप्यूटर पे। यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई है। अब इसको या तो ये है कि पहले मैं इसका साइज देख लेता हूँ कि कितना साइज है इसका। कंप्यूटर मेरा वाकई फर्क हुआ था, बल्कि ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि मैं इसको ड्रैग करूं और नए टैब में खोलूं। ठीक है, नए टैब में खोलने से ये होगा कि ये इसी के कैनवस का साइज भी मिल जाएगा मुझे और यहाँ पे आ गया मेरे पास कैनवस का साइज। इसी कैनवस में सारा का सारा विदाउट एनी, मुझे खुद से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा कैनवस का साइज। ठीक है, ये मोबाइल है। एक और चीज़ सीखने वाली ये है कि मैं इस मोबाइल को डार्क टोन देना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह से दे सकता हूँ। वो इस तरह से दे सकता हूँ कि आप इस पे जाएं एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद कलर लुकअप पे जाएं और कलर लुकअप पे जाने के बाद इस ड्रॉप टोन पे जाना है आपने और मून लाइट पर क्लिक कर दें तो इमेज ऑटोमेटिकली डार्क हो जानी चाहिए। ठीक है, डार्क हो गई। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा पूरा का पूरा इस पिक्चर के, डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ओरिजिनल लेयर मैंने बनाई थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब मुझे चाहिए स्पाइडरमैन का होलोग्राफ, तो ये थी और अलॉन्ग विद दिस ह्यू एंड सैचुरेशन। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा मूव टूल और ड्रैग कर दूंगा न्यू विंडो पे, यहाँ पे आ गया। तो ये दो जो है मेरे पास स्पाइडरमैन होलोग्राफ है और यू एन सैचुरेशन इसके ऊपर जो डाला हुआ है वो है। दोनों को राइट क्लिक करके मैं ग्रीन कर दूंगा ताकि मुझे पता हो कि ये हमारा स्पाइडरमैन है। अब करना ये है कि इन दोनों को सबसे पहले कंट्रोल टी प्रेस करें और थोड़ा सा छोटा कर दें बिकॉज इट्स टू बिग और यहाँ पे ले आए। ये आ गया हमारे पास। अब हमें टेक्स्ट लिखना है जो कि अगेन जिसमें होलोग्राफिक टच ही आएगा। तो लेट्स टाइप सम टेक्स्ट। कलर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हुआ है जो कि नीचे होलोग्राफ है, ये हो गया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर भी हमने एक तो ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉसियन ब्लर फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑप्शन आती तो इसको आपने कर देना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसका फायदा ये होता है कि आप जूम करें या जूम करें जो मर्जी करें वो पिक्सल्स नहीं फटेंगे। 3-4 पिक्सल्स इसको मैंने जूम ब्लर कर दिया। ये आप अपने कैनवस के साइज के मुताबिक देख सकते हैं, मेरे में 3-4 में सही इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे करना ये है कि इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हिला हुआ है इसका। आपको पर्सपेक्टिव याद हो तो पर्सपेक्टिव क्या होता है कि किसी भी इमेज के अंदर अगर आपने देखने के वो व्यू के हिसाब से शो हो रहा हो आप उसका पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अब ये स्पाइडरमैन बिल्कुल एक्चुअल सामने मेरे शो हो रहा है लेकिन ये मोबाइल जो है एंगल पे पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो वो तरीका जो मैंने बताया था वैनिशिंग पॉइंट वाला वहां से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये जो कि मैं करने लगा हूँ विच इज़ वेरी दो नंबर तरीका, कंट्रोल टी प्रेस करें और जूम करें थोड़ा सा। ठीक है, कंट्रोल दबा के इस सेंटर वाले को ऊपर कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हिला देगा और उस वक्त तो करते रहिए जब तक कि आपको लगे कि आपका पर्सपेक्टिव मैच कर गया। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट मैच कर गया इसके साथ।
इसको हमने ब्लर दे दिया, हमने बिल्कुल ब्लर दे दिया, कॉजिन ब्लर भी दे दिया, और ये टाइटल आ गया हमारा। टाइटल में कुछ भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेस बनानी है कि जैसे कि ये मोबाइल से निकल रहा है, ठीक है। तो पहले उससे पहले हम एक लाइन बना देते हैं लाइन टूल से, और यहाँ पे मैं लाइन बनाऊंगा और इस तरफ वाली कहीं बनाऊंगा, जस्ट टू शो के इस पे हम लेबल दे रहे हैं, और इसकी स्ट्रोक में जीरो कर दूंगा और हाइट थोड़ी सी छोटी करूँगा, 2 pixels काफ़ी है और बस काफ़ी है। इस लाइन को मैंने कलर देना है और वो दूंगा मैं नियॉन कलर, ये हो गया। इसको ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स टू स्मॉल। अगर करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इधर जाएं, फिल्टर पे जाएं, बजाय इसके दोबारा से फिल्टर गैलरी पे जाएं, सिर्फ ऊपर वाला जो आ रहा है यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट वाले आते हैं तो वो क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा, ठीक है। That's it. अब रेस बनाते हैं कुछ। रेस कहाँ से बना सकते हैं इसका भी तरीका बता देता हूँ। पेन टूल पे जाएं, पेन टूल आ गया, अब इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, यानी बाउंड्रीज कवर कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से इस तरह जाएगा, इधर जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा और मजीद, और यहाँ से इस तरह आएगा। तो ये मैंने वो कवर कर दिया कि मोबाइल से जहाँ से ये बाहर निकल रहा है। सिलेक्शन पे क्लिक कर दें, फेदर रेडियस देना है दे दें, कोई मसला नहीं, हम इसको वैसे ही ब्लर कर देंगे। तो मैं जीरो दे रहा हूँ एंड प्रेस ओके। अब मैं इसको फिल करने लगा हूँ शिफ्ट बैकस्पेस दबा के, बाकी एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है पहले। न्यू लेयर, शिफ्ट बैकस्पेस, कलर क्या देंगे इसको, लेट्स सी, कलर पे गए, अगेन नियॉन कलर दे दें, ओके एंड ओके। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली मोबाइल से रेस निकल रही है। कंट्रोल डी प्रेस करें ताकि डी सेलेक्ट हो जाए। नॉर्मल के बजाय इसको कर दें स्क्रीन, ठीक है। अभी कोई असर नहीं होगा अभी, लेकिन थोड़ी देर तक हो जाएगा। अब हमने इसको करना है ब्लर, फिल्टर, और इसको भी मोशन ब्लर दे सकते हैं, इसको भी गॉजियन ब्लर दे सकते हैं, वो हमारे पे, बट लेट्स गो विद मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में देने के बाद गिव इट मैक्सिमम डिस्टेंस, और ऊपर की तरफ जाएगा ये, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और मल्टीपल इसमें हमारे पास ऑप्शन है, हम हिट एंड ट्राई कर सकते हैं कौन सा इफेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन एज फार एज आई नो हमें गॉजियन ब्लर ही जाना चाहिए। सो दैट फिल्टर गॉजियन ब्लर, गॉसियन ब्लर बहुत कम था, मैं इसको फिल्टर पे जाके गॉसियन ब्लर दोबारा दूंगा। दिस इज अगेन हिडन ट्रायल, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं होती हर इमेज की। पिछला कैनवास साइज थोड़ा डिफरेंट था, ये कैनवास साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अगर मैं पिछले से थोड़ी सी याद कर लेता तो टाइम बच जाता, बट मैंने याद नहीं रखा, ठीक है। गॉसियन ब्लर ज़्यादा सूट कर रहा है, सो जस्ट प्रेस ओके। अब इसकी ओपेसिटी हमने कम करनी है बिकॉज इट्स टू डार्क, 30% तक ले जाएं, 50% तक ले जाएं, ठीक है। और एक और चीज़ करनी है कि इस पर मास्क लगाएं, ब्रश पकड़ें और इसको हाइड करते जो नीचे आ रहा है, बिकॉज मोबाइल के नीचे रेस ही आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट किया है कि मोबाइल की स्क्रीन जब से स्टार्ट होगी वहाँ से आपका स्टार्ट होगा रेस, तो ये वाला जो पार्ट आपने हाइड कर देना है। मुख्तलिफ तरीके इसको हाइड करने के, आई एम यूजिंग मास्किंग, आप लोग इसको सिंपल लेसर टूल से सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा नीट हो जाएगा। मुझे इसकी आदत है तो मैंने इस तरह कर दिया। तो ऑलमोस्ट आपका काम कंप्लीट है। ओपेसिटी को अपने हिसाब से देख लें कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो ओरिजिनल इमेज ये थी एंड नाउ इट्स दिस, आपका होलोग्राफ इफेक्ट है। सिमिलरली आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं शो, घड़ी के अंदर से नज़र आ रहा है, मोबाइल के अंदर से, लैपटॉप के अंदर से, बुक के अंदर से, तो फ्रीडम आपके पास है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन होगा तो आप तो
इंक्लूड कर सकते हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.